सो फ्लिपकार्ट प्राइसिंग को लेके एक इश्यू अभी हमें नज़र आया, जिसको कि मैं अभी आप लोगों के सामने सॉल्व करता हूँ। सो ये एक प्रोडक्ट है जिसका कि आप फाइनल प्राइस यहाँ पे देखोगे तो 643 का है, और अगर बायर पोर्टल पे जाते हैं तो यहाँ भी इसका प्राइस 643 का है। बट इश्यू क्या है कि जैसे मान के चलो रिटर्न वाले टैब में हम जाते हैं तो यहाँ पे इसका प्राइस देखेंगे तो 1,118 रुपये दिखा रहा है, जबकि इतने का तो ये प्रोडक्ट है ही नहीं। तो ज़्यादा प्राइस क्यों दिखा रहा है ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम रिटर्न में जाके शो डिटेल्स में जाएंगे, तो ठीक इसमें है हम पेमेंट हिस्ट्री में चले जाएंगे ठीक है। जहाँ पे कि हम चेक कर सकते हैं इसका क्यों प्राइस सबसे ज़्यादा दिखा रहा है। जैसे देखेंगे कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट कितने में सेल हुआ है, अगर हम इस पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएगी। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे हम तो यहाँ पे जबकि रीज़न दिया गया है क्यों यहाँ पे ज़्यादा रुपीज़ में सेल हुआ है, कि जो रीसेलर है उसने 355 रुपये अपना ऐड करके उसके ऊपर ये प्रोडक्ट सेल किया है, जिस वजह से ये प्रोडक्ट 1,118 रुपये में सेल हुआ है। एग्जैक्टली। सो शॉप्सी मार्केट प्लेस पे, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, शॉप्सी मार्केट प्लेसेस पे भी रीसेलिंग होती है मीशो की तरह, तो वो रीसेलर का रेट भी इसमें जुड़ा हुआ है, बट वो आपसे नहीं लिया जाता है। सो ये इसका ये रीज़न है। अगर आपको ये अभी पता चला है तो मेरे को कमेंट में बताना। इसके अलावा कोई और क्वेरी है तो हम वो भी पूछेंगे।